गाना है और जैसे कि एक्चुअली जो टीम है बिटिया, ये बहुत कम ऐसे गाने बनते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जल्द ही सॉन्ग आएगा बिटिया जो जैसे पिक्चराइज हुआ है और तो जल्द ही आने वाला है। yes. और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगा, मेरी दुआ है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे गाने बनते हैं, अक्सर या तो रोमांटिक सॉन्ग्स बनते हैं या सैड सॉन्ग्स बनते हैं, जब ये बिटिया पे आ रहा है तो कुछ नया क्रिएट करेगा इंशाल्लाह। आपका ड्रीम गर्ल का सॉन्ग देखा जाए तो मिलियन मिलियन पे पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच। और फिर एक धमाका आप दे रहे हैं। जी जी, तुमसे मोहब्बत। यस ऑफ कोर्स, आज हमने सॉन्ग रिकॉर्ड किया है तुमसे मोहब्बत, जो कि बहुत खूबसूरत गाना है और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और बहुत अच्छा कंपोज किया है सागर जी ने, तो आई एम सो हैप्पी कि आज हमने एक अच्छा गाना रिकॉर्ड किया है जो कि बहुत जल्दी आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्रिएट करेगा मार्केट में। और इसके अलावा जैसे बात करें हम सागर जी के साथ और आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट प्लान क्या है? फ्यूचर के प्लान तो आज हमने गाना रिकॉर्ड किया है, अब बस मैं यही दुआ करूँगा कि ये गाना अच्छा सक्सेस हो और अच्छा ये एक अपना रंग दिखाए मार्केट में और फिर हम करेंगे आगे। मोहब्बत की दो लाइन। तुमसे मोहब्बत हो गई है एक इबादत हो गई है। अभी थोड़ा ही मैं गाना चाहता हूँ क्योंकि ये गाना जब आए और ये फुल गाना जब हम सुनेंगे सब बैठ के तो उसका मजा ही अलग होगा, राइट? सागर जी कुछ बोलिए। सागर सर, इसके पहले भी आपने बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं तो कुछ रोशनी डालेंगे आप? मैं जब संगीत के क्षेत्र में शुरुआत कर रहा था तो सबसे पहले मुलाकात मेरी अल्फाज भाई से ही हुई लगभग एक साल पहले। उस समय मेरी ये बहुत इच्छा थी कि अल्फाज भाई के साथ हम एक गाना करें और आज वो शुभ मुहूर्त आज मिला है। यस। तो मैं रियली बहुत खुश हूँ कि एक खूबसूरत गाने को एक खूबसूरत आवाज़ मिली है जो आवाज़ आज पूरे देश और पूरी दुनिया में छाई हुई है। उस आवाज़ में एक गाना जो रिकॉर्ड हो रहा है तुमसे मोहब्बत, तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अल्फाज भाई के गाने सुपरहिट जा रहे हैं साथ साथ ये भी गाना भी सुपरहिट जाए। और रही बात इसके पहले के प्रोजेक्ट की, तो इसके पहले मैंने एक सोशल प्रोजेक्ट बनाए थे बिटिया नाम से, और जिसका मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये बिटिया प्रोजेक्ट है जिसमें एक बेटी का दर्द एक गाने के माध्यम से, एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बयान किया गया है। इसमें जो लीड रोल में है आकृति शर्मा, इसको लिया गया है। इसमें करण मल्होत्रा जी हैं, निकिता शर्मा जी हैं, शिवानी बैस है और जिशान सिंह है, और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और ये भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और मैं ये भी चाहूँगा कि इसको सभी लोग देखें, एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें एक बेटी के लिए है। और बस अभी यही प्रोजेक्ट हाथ में है। सागर जी, जिस तरीके से अभी तुमसे मोहब्बत का प्रोजेक्ट आप अल्तमश भाई के साथ कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में और अल्तमश के साथ कितने? बिल्कुल, मेरी दिल से इच्छा है कि मैं अल्तमश भाई के साथ और भी गाने करूं। थैंक यू सो मच। और भी हम साथ में बैठे हैं और भी साथ में। थैंक यू सागर जी। एक अच्छा रिश्ता रहे। एक बहुत ही अच्छे इंसान है अल्तमश जी, बहुत अच्छे सिंगर तो है ही, एक बहुत अच्छे इंसान है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं उनके साथ आगे भी प्रोजेक्ट करूँ। आसिफ जी, जैसा सभी जानते हैं कि आप एक इवेंट कंपनी में बॉलीवुड मैनेजमेंट करते हैं पूरा सेलिब्रिटीज को, खास तौर से आपकी कमान जो है वो सिंगर्स में है, वो ऑल ओवर इंडिया छोड़िए वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? खैर उस फील्ड की बात ना करते हुए मैं सबसे पहले तो सागर जी की बात करूँ कि SMW प्रोडक्शन हाउस इन्होंने स्टार्ट किया है और पहला प्रोजेक्ट जैसे बताएं कि बिटिया, तो ये बहुत ही हार्ट टचिंग एक कॉन्सेप्ट पे काम किए। उसके बाद जब हम लोगों की मीटिंग हुई कि एक के बाद एक हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे गाना लाएंगे, तो बहुत सारे सिंगर थे लेकिन प्रायोरिटी हमारी अल्तमश जी के लिए थी। अब हम लोगों ने उनके दो गाने सुने जिसका टाइटल एक मुलाकात, फिर उसके बाद में एक मुलाकात, तो हम सोचे कि यार एक मुलाकात के बाद तुमसे मोहब्बत तो होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसको इश्क में तब्दील कर दिया और यहाँ से टाइटल निकला। और उसके बाद में फिर ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे और जल्दी आप लोगों के बीच में गाना आ जाएगा। तमस भाई ड्रीम गर्ल का गाएंगे दूर है। क्या बात है, बहुत बहुत ही मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ अमित जी को, और वो मेरे मतलब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं क्योंकि एक शो में हमारी मुलाकात हुई थी और फ्लाइट में भी हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, तो
वो देख रहे होंगे तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे ओ सॉरी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ अमित जी को. और वो तो स्टार है हमारे, अगर देखा जाए तो वो हमारी शान है हमारे हिंदुस्तान की. तो क्या लगता है बॉलीवुड में अगर अमिताभ बच्चन के अलावा जिसका नाम आना चाहिए वो कौन है? अमित जी के बाद अगर किसी का नाम आना चाहिए, सभी लोग अच्छे हैं बट हाँ रेखा जी का आना चाहिए ऑफ कोर्स. कोई खास वजह अमिताभ जी के साथ रेखा जी का नाम आपने लिया? नहीं नहीं वो एक लेवल जो होता है ना उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. थैंक यू.